नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं भोजपुरी रिमझिम में। दोस्तों, भोजपुरी इंडस्ट्री में खेसारी लाल यादव और पवन सिंह को लेकर लगातार विवाद चलता रहता है और ये विवाद थमने का नाम नहीं लेता है। आए दिन जैसे खांसी उखड़ जाती है, वैसे ही विवाद भोजपुरी इंडस्ट्री में उखड़ जाता है और खास करके पवन सिंह और खेसारी लाल यादव को ही लेकर लगातार चर्चा होती रहती है। आपको पता होगा कि कुछ दिन पहले, यानी कि लगभग अगर मैं बात करूँ तो जुलाई, अगस्त, सेप्टेम्बर, अक्टूबर, नवम्बर, लगभग 5 महीना पहले जो है एक गाना आया हुआ था पवन सिंह का, जिस गाने का नाम था बारिश बन जाना। बारिश बन जाना गाना काफी ज्यादा बढ़िया था और आई अप्रिशिएट हिज पवन सिंह वर्क। एंड इसमें जो है खेसारी पवन सिंह के साथ जो है पायल दे नजर आई थी और इस गाने में हीना खान, शहीद शेख, जो है कुणाल वर्मा, इस गाने में जैसे बड़े दिग्गज कलाकार इस गाने में शामिल हुए थे। तो ये गाना 29 जुलाई को, यानी कि 30 जुलाई, जुलाई खत्म कर दीजिए, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर और ये दिसंबर, यानी कि लगभग 5 महीना कंप्लीट होने वाला है और इस पर जो है 61 मिलियन, यानी कि 61 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं। वायरल ओरिजिनल्स पर रिलीज किया गया था, लेकिन इस पर जो है लाइक्स की बात करता हूं तो 61 मिलियन पर महज 1.4 मिलियन लाइक्स है और 2,44,000 जो है वो इस गाने पर कमेंट्स है। और वहीं बात करें तो खेसारी लाल यादव का गाना पानी पानी रिलीज हुआ है, अभी 9 तारीख को रिलीज हुआ था और 9 तारीख से लेकर अगर मैं बात करता हूं तो 12-13 दिन हुआ है और इस गाने पर 40 मिलियन जो है वो व्यूज मिल चुके हैं। 40 मिलियन व्यूज पर भी 1.4 मिलियन लाइक्स गेन कर लिया है, तो 61 मिलियन वर्सेस 40 मिलियन 1.4 लाइक का जो रेशियो है आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो वहीं कमेंट्स में भी खेसारी लाल यादव 281,765 कमेंट्स पाए हुए हैं, तो खेसारी लाल यादव इस मामले में भी आगे हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि खेसारी लाल यादव का तांडव, खेसारी लाल यादव का कहर और खेसारी लाल यादव के फैंस की जो सक्रियता है वो कितने जबरदस्त तरीके से आपको नजर आ रही है कि कितने 20-21 मिलियन बहुत व्यूज होता है, उसके रेशियो में देखा जाए तो लाइक्स के बराबर में खेसारी लाल यादव पवन सिंह के उसके बड़े टक्कर को दे चुके हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। वहीं कमेंट्स में भी आगे निकल चुके हैं। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद।